और करीब करीब इसमें 60,000 लड़के ट्रेनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी जिसमें कि तमाम सारी चीज़ें उलझी रहती थी, वो सारा का सारा क्लियर करके और सारी भर्तियाँ की हैं, ईमानदारी से किया है। कोई बच्चा आके यहाँ खड़ा होकर कह दे कि हाँ उसने किसी को 1 रुपये दिया हो, तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में, कम से कम ड्यूरेशन में बिल्कुल साफ साफ भर्तियाँ करें। और हर बच्चे का, जैसे अभी हमने 49,000 का रिजल्ट निकाला, आप इंटरनेट पर चले जाएँ, 49,000 का घटते क्रम में सभी बच्चों के नंबर आपको दिख जाएगा। हमारी फाइल पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने इंटरनेट पर अपलोड कर रखा हो, और हमें भी जरूरत होती है कई बार इंटरनेट से डाउनलोड करके हम भी काम चला लेते हैं। मतलब एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। एग्जैक्टली, हम लोग, और कोई भी बच्चा आके देखना चाहे, कोई भी आके देखना चाहे, किसी को देख देखना चाहे, बिल्कुल आके देख लें, आपका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे दर्शकों को और वो युवाओं को जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा बच्चों को, अभी हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ऑर्डर मिला है 6,000 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का और करीब करीब 1,300 मिनिस्ट्रियल स्टाफ करने का। मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी ASI रैंक है, उसमें ASI मिनिस्ट्रियल, ASI अकाउंटेंट और स्टेनोग्राफर्स हैं। और इसके अलावा हम लोग जेल का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, घोड़ा पुलिस का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, और आपका माउंटेड पुलिस और जेल, इसके अलावा भी कुछ वो कम संख्या में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट हम लोग करवाएंगे वो सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल्स का करवाएंगे। इसके लिए बच्चे अपना तैयारी करते रहें जो सिंसियर बच्चे हैं, और मैं कोशिश यही करूंगा कि अक्टूबर एंड तक, जैसे कोरोना का सारा कुछ निपट जाएगा, जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर में हम लोग एग्ज़ाम करवाने की पोजिशन में होंगे, हम लोगों ने अक्टूबर एंड में एग्ज़ाम करवाने का प्रपोजल बनाया हुआ है, और साथ में उसके लगभग दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक तक दौड़ करवा देंगे, जिसमें जिस भी रिक्रूटमेंट रूल्स में उसकी ज़रूरत होगी, और जनवरी एंड तक आते आते हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो जो भी बच्चे, क्योंकि अभी तीन चार महीने बच्चों के पास में है रिटन एग्जामिनेशन तैयारी करने का, तो जो बच्चे इच्छुक हों पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है वो अपना पढ़ाई पर फोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और हम लोग एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाएंगे।